भागलपुर के कहचारी चौक के पास एक विक्षिप्त लड़की टोटो पर सवार होकर रो रही थी, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लग गई। लोगों ने लड़की से बात करने की कोशिश की तो लड़की और तेज रोने लगती थी। दरअसल ये लड़की अपने घर जीरो माइल थाना क्षेत्र के ज्योति बिहार कॉलोनी से निकलकर भागलपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गई और वहां पर एक टोटो ड्राइवर को बोली हमें जाना है। इसके बाद टोटो ड्राइवर उस लड़की को अपने टोटो पर बैठा लिया और उसके बाद लड़की बता नहीं पा रही थी कि आखिर जाना कहां है। इसके बाद टोटो ड्राइवर सड़क पर मुस्तैद पुलिस जवान से बात किया तो पुलिस जवान ने भी टोटो ड्राइवर को किसी तरह की कोई मदद नहीं की। अंत में टोटो ड्राइवर उस लड़की को कचहरी चौक के पास ले आया, जहां पर मौजूद भीड़ ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की तो लड़की कुछ बता नहीं पा रही। अंत में किसी तरह लड़की ने अपना पता बताया तो वहां पर मौजूद लोगों ने आसपास के लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया तो किसी तरह उसके परिवार वालों को पता लगा, फिर उसके परिवार वालों तक जानकारी भी पहुंची। उसके बाद लड़की के परिवार वाले वहां पर आए और लड़की को अपने साथ लेकर चले गए। वहीं इस पूरे मामले पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस युवती का सड़क पर मौजूद पुलिस जवानों ने मदद क्यों नहीं की। चलो तुमको घर भिजवा दे। लड़की को कुछ ना, वो बोली कि हमें स्टेशन जाना है। उसके बाद स्टेशन पहुंची, उसके बाद हम पूछे उतरिए लड़की, तू कहती ना हमको जाना है घूरन की वाले। हम फिर गाड़ी घुमा कर सवारी को बैठा कर लेके साथ साथ आ गए। उसके बाद हम सिपाही को बोले कहाँ है क्या बोलता है घंटा घर। उसके बाद फिर ना कचहरी चौक पर बोले, बोला कि माँ आप 112 को फ़ोन करिए। मदद कोई नहीं किया, मदद कोई नहीं किया। 112 को फिर आप फ़ोन कर ले, नहीं तो थाना को पहुँचाने। इतना परेशान है इस लड़की को लेकर। हाँ, अब इसमें डर क्या है ना सर, क्या लगता है मन बुद्धि भी होते हैं। अब क्या है सर, हम क्या बतला सकेंगे दूसरे से। हम चली जाती कभी, वो निकल जाती तबीयत खराब है। आज हो गया, एक दो घंटा हो गया। कहाँ ले जा रहे, घर ले जा रहे? ज्योति बिहार, ज्योति बिहार घर है। भागलपुर में एक बार फिर से स्वास्थ्य महकमे की पोल खुल गई है। दरअसल यहां रेलवे अस्पताल से एक लावारिस शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस की बजाय ठेले पर भेजा गया और ऐसा हमेशा होता है। हद तो तब हो जाती है कि जिस ठेले से शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है उस ठेले के पहिए में ना तो हवा है ना ही उसमें ब्रेक है। कुल मिलाकर यह कहना सही होगा कि तस्वीरों में दिख रहा शव लावारिस शव नहीं है बल्कि भागलपुर स्वास्थ्य महकमे का शव है। एक तरफ जहां भारतीय रेलवे के चिकित्सा विभाग सुविधा मुहैया कराने के लिए कई वायदे करती दिखती हैं, वहीं दूसरी ओर रेलवे स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती तस्वीर भागलपुर की सड़कों पर आए दिन देखने को मिलती है। आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीर भागलपुर की सड़कों पर देखने को मिली, जहां एक अज्ञात शव को एक ठेले पर दो युवक खींचते हुए पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे। जिस ठेले पर शव रखा हुआ था उस ठेले में ना तो ब्रेक था ना ही टायर में हवा, वहीं ठेला चालक और सहयोगी के मुंह से शराब की भी बू आ रही थी। इस पूरे मामले पर ठेला चालक विजय मलिक ने कहा कि हम लोग बोलते भी रहते हैं लाश को ढोने के लिए किया जाए लेकिन एम्बुलेंस नहीं दिया जाता। वहीं सड़क से गुजर रहे राहगीर विजय कुमार चौधरी रेलवे प्रशासन को कोसते नजर आए। कहाँ से लाए हैं? बीआरपी थाना से। इनके बगल में मर गया, जो शरीर का पास में भी सिस्टम है ना, उसी जगह मर गया ही है। तो एम्बुलेंस नहीं मिला? नहीं, एम्बुलेंस नहीं मिला। एम्बुलेंस टेम्पो दीजिए, टेम्पो ने ठेला में ले जा। तो इस तरह से किसी को ले जाना चाहिए क्या? ले जाना चाहिए ठेला में? हाँ, ठेला में जाइए। आप लोग ले जाते हैं ठेले में? हाँ, जबरदस्ती बोलता है जाओ, जाना होगा सर, तुमको जाने पड़ता है। एकदम एम्बुलेंस मिलना चाहिए, सरकार ने सारी सब चीज व्यवस्था की है। थाना कहाँ? हाँ, व्यवस्था नहीं है, एकदम नहीं है व्यवस्था। सड़क पर नंगी लाश जा रही है, बदबू भी कर रहा है। हाँ, बदबू भी हो रही है। हाँ, मच्छी बन बन कर रहा, तब अच्छा बात थोड़े। भागलपुर की सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में गुरुवार की दोपहर हल्की बारिश हुई, जिसके बाद नगर परिषद द्वारा साफ सफाई की पोल खुल गई। गंगा घाट में कांवरिया गंगा स्नान कर गंगा जल लेकर पैदल बाबा धाम यात्रा करने पर नमामि गंगे घाट से बाहर आने पर रास्ते में घुटने तक के गंदे नाले के पानी से होकर गुजरना पड़ा। वहीं महापर्व श्रावणी मेला में कांवरियों को अभी परेशानी हो रही है। कांवरियों का साफ कहना है कि व्यवस्था सही नहीं है, हम लोगों को नाले के गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, इस व्यवस्था को सही करने की जरूरत है। गंगा घाट का धाम तो ठीक है, लेकिन रास्ते का जो रास्ता है जी, ये नहीं सही है। ये सही नहीं है। हाँ, ये पानी उनी लग जा रहा है, ऐसा
बिजली हो जा रहा है, भीड़ भाड़ में मान लीजिए कितना लोग गिर जाएंगे, घायल हो जाएंगे। नाला का सफाई नहीं होने की वजह से ऐसा है। नाला का सफाई नहीं होने की वजह से ऐसा है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल, जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए कर रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। श्रावणी मेला में महज 10 दिन शेष रह गए हैं। वहीं जिला पदाधिकारी के निर्देश पर पर्यटन विभाग द्वारा धांधी बिलारी पंचायत में टेंट सिटी की तैयारी युद्ध स्तर से की जा रही है। टेंट सिटी में 200 कांवरियों के लिए रात्रि विश्राम के लिए बेड की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही पीएचडी विभाग के द्वारा सुल्तानगंज गंगा घाट से लेकर कांवरिया पथ तक युद्ध स्तर से तैयारी की जा रही है। धांधी बिलारी के कॉलेज गेट, झोजी, लखनपुर, लखनपुर तेघड़ा पोल, तेघड़ा में शौचालय, झरना, पानी टंकी व्यवस्था तथा कांवरियों की शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिए हर जगह युद्ध स्तर से तैयारी की जा रही है। विभाग द्वारा कांवरिया पथ में मरम्मती का काम युद्ध स्तर से किया जा रहा है। नगर परिषद द्वारा भी गंगा घाट एवं पूरे शहर को चकाचक करने के लिए कार्य युद्ध स्तर से किया जा रहा है। सभी दुकानदार भी अपने दुकानों को सजाने में लगे हुए हैं। वहीं सभी विभाग के अधिकारी कार्यस्थल को देखते हुए अपने अपने काम में लगे हुए हैं। नमामि गंगा घाट में भी उद्घाटन स्थल सजाने का कार्य विभाग द्वारा युद्ध स्तर से किया जा रहा है। 200 बेड का टेंट सिटी जी जी कहाँ बन रहा है, कौन सा जगह? असरगंज है। असरगंज धानी बिलाड़ी, हम देंगे तो देंगे। अब ये ऑलरेडी हम लोग प्रपोज किए थे सुल्तानगंज के। हाँ जी जी, सुल्तानगंज में लोग बोले कि उससे अच्छा है कि आप यहाँ बना लीजिए, शौचालय रहेगा, बेड रहेगा, गद्दा तकिया सब मिलेगा, चावल हवा स्टैंड मिलेगा, सारा चीज़। ये निःशुल्क है? अनुशुल्क। ये किनके द्वारा लगाया जा रहा है? ये पर्यटन विभाग के द्वारा। पर्यटन विभाग के द्वारा। तो क्या जगह को बदला जा रहा है या यहीं पे? ये जगह तो गड्ढा में था, इसे हम लोग ऑब्जर्वेशन भी किए थे, उसको बदल के उधर शिफ्ट कर देंगे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले आज भागलपुर में कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय गेट पर धरना दिया। इन लोगों का साफ कहना था, किसी भी हालत में जनसंख्या पर नियंत्रण हो और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर इस पर अंकुश लगाया जाए। जनसंख्या फाउंडेशन का शिष्टमंडल भागलपुर के जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज का धरना प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है, आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले हम लोग आज अपने केंद्र में प्रधानमंत्री जी को एक अपने अपने जिले में ज्ञापन सौंपेंगे डीएम साहब को, और उनके द्वारा हम लोग प्रधानमंत्री जी को ये अवगत करवाएंगे कि ये जो
कानून है ये जल्दी से जल्दी देश में लागू हो ताकि जो जनसंख्या जिस तरह से वृद्धि हो रही है और जिस तरह से हम इस चुनौती का सामना नहीं कर पा रहे हैं, ये जो विस्फोटक स्थिति पैदा हो रही है पूरे देश में, उसको लेकर के हमारे सभी जगह सभी कार्यकर्ता आज धरना प्रदर्शन देकर अपनी अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाना है, इसी के लिए हम लोग आज ज्ञापन सौंपेंगे, उसी के लिए हम लोग जनसंख्या समाधान को लेकर के धरना दिए हैं ताकि कानून लागू हो और संसद में इसकी बात भी पहले उठी है, फिर से इसको लागू किया जाए और हमारी बस एक ही मांग है कि देश में जनसंख्या कानून लागू हो जाए और हम तो हमारे दो और सभी के दो का जो नारा है उसको अमल करके और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से एक आग्रह करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से उनको एक ज्ञापन सौंपेंगे, उनको एक पत्र देंगे और प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि इस कार्यकाल में जनसंख्या कानून जरूर बने। भागलपुर में माँ नंदी संस्था महिलाओं के लिए काफ़ी बढ़ चढ़कर काम कर रही है। वो गरीब व असहाय महिलाओं के लिए हर समय तत्पर रहती हैं। आज माँ नंदी संस्था की ओर से सैंडिस कंपाउंड एरोबिक्स स्थल पर सबौर स्थित बाबूपुर ग्रामवासी सुशीला देवी, जिनके पति का देहांत आज से कुछ दिन पहले हो गया था जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी और जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, उन्हें संस्था की ओर से किराने का दुकान खुलवाया गया ताकि अपने साथ साथ परिवार वालों का भी जीवन यापन सुचारू रूप से कर सके। अभी तक संस्था की ओर से 200 से अधिक महिलाओं को रोजगार दिया गया है। इस वर्ष 500 से अधिक महिलाओं को उद्यमी बनाना इनका लक्ष्य है। संस्था की ओर से चलाए जा रहे महिला उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम के तहत सबौर स्थित बाबूपुर ग्राम की सुशीला देवी दी हैं, जिनके हस्बैंड नहीं है, आर्थिक स्थिति काफी खराब होने की वजह से उनकी जो स्थिति है वो परिवार जो है सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं, तो हमारी संस्था की ओर से उन्हें किराने का दुकान जो ग्रोसरी शॉप के लिए जितने सामग्री होता है हमारी संस्था के द्वारा इन्हें प्रोवाइड की गई ताकि वो अपने साथ साथ अपने घर और परिवार को भी सुचारू रूप से संचालित कर सके। और अपने संस्था के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो जिस तरह से उन्होंने महिला उद्यमिता श्रृंखला को बरकरार रखा है और महिलाओं को उद्यमी बनाकर ये हमारे समाज और देश के लिए ही नहीं हमारे राष्ट्र के लिए भी शुभ संकेत है। और मैं इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, वो झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती, मदर टेरेसा कल्पना हो या सानिया असंभव क्या है जो महिलाएं कर नहीं सकती, महिलाएं हर कुछ कर सकती है, जरूरत है तो जागने की। धन्यवाद। हम आए हैं एक दुकान के लिए, किराना दुकान के लिए। कहाँ आए हैं? माँ संसदानंदी के यादे दीदी रहा दुकान करने के लिए। कैसा लग रहा कि यहाँ से हेल्प मिलने के बाद में कुछ अच्छा लगता है? परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 4 लोग हैं। कौन कौन? छोटा छोटा बच्चा है। अभी तक आपका जीवन कैसे चल रहा है? अभी बहुत खराब चल रहा है।